गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज। और अब मेरे को उठना पड़ेगा, अब तक मैं अलकस कर रहा था। यहाँ से एक चुहिया आई छोटी सी, ऐसे ऐसे चली बेड पे, फिर उधर मेरे बैग पे चढ़ के उधर कूद गई। देखो कितने पुराने फोटो हैं मौसी जी के। क्या लिया यार तुम सभी सुबह? चावल, शादी के चावल, इतने सारे कौन खाएगा? डांगरों का डाल दियो। इधर नहीं है, एक बरात और खा ले। कम लोग आए शादी में, बराती भी तो कम थे, गाँव के भी कम है, क्योंकि गाँव में भी दो चार जगह शादी थी, है ना। अब तो पूरा साया चलेगा 30 तारीख तक। गांव में छोटा सा प्यारा सा मंदिर, ये देखो कितनी पुरानी अलमारी में, छोटी सी अलमारी है, ऐसी ऐसी अलमारी गांव में मिल जाती है अक्सर, इसमें बनाया हुआ है। यहाँ वो भी हो रही है, चुहिया है नहीं, मैं सो रहा था यहाँ आ गई थी एकदम से। ऑलमोस्ट 11 बज गए गांव में ही एडिटिंग करते करते। आज मेरठ भी, अभी मेरठ भी निकलना है जल्दी से। और यहाँ पर आ चुका अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें रोटी मिक्स, मल्टीग्रेन रोटी, मक्खन और चाय। सुबह कल शादी में बचा हुआ माल अभी अर्जुन ढो रहा है अपनी किचन में। ये देखो क्या क्या ला रहा है, टिक्की ला रहा है, पूरी ला रहा है, गोलगप्पे लाया है, गोलगप्पे भी लाया है। कैसा लगे गोलगप्पे? मैंने ट्राई नहीं करे। कैसे लगे गोलगप्पे? बढ़िया थे। रसमलाई लाया। चल ठीक है, ये तो बिल्कुल सूख गई, अब कौन खा रहा है इन्हें, ये ना खाई जा। आर्यन हम जा रहे हैं, चल तू रोटी खा रहा है। अब टाइम मिला तुझे 12 बजे। देखो क्या क्या ला रखा भाई, यो भी लाया, पनीर की सब्जी, हलवा। आज छुट्टी है तेरी? तो गांव से घी ले लिया भाई, बिल्कुल शुद्ध घी, दानेदार। देख मेरी गाड़ी में पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे खोल लूंगा, खुलेगी नहीं। आ जा। देख एक बार दबाया, दो बार दबाया, तीन बार, चार बार, पांच बार, सात, आठ, आठवीं बार में खुली है। अरे ये किसने लिख दिया? गांव में ये हरकत बहुत करते। अरे यहाँ पे जो लिखा हुआ था आर्यन ने हटा दिया। चल ठीक है, थैंक यू। ये वाली मुझसे कितनी डर रही है, देखिए वाली। ले गाजर खा ले, गाजर खा ले, ले ले, मिट्टी लग रही है, पर यहाँ रख देता हूँ। आज ना मौसम खराब है, आज पूरा ओवरकास्ट, कोई धूप नहीं निकल रही। तो चलो जो जो से मिलो भाई, बस 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 बस। अरे ये भी इसके साथ मिलके ऐसे ही हो गया। 12:30 बज गया ऑलमोस्ट निकलने में। और भाई जो भी रसगुल्ले वगैरह हैं वो सब ले लिए, अब खाएंगे बांटेंगे इसको कुछ दिन तक। ठीक है करो बंद। ठीक है मौसी जी, नमस्ते, बाय बाय। अर्जुन बाय। ठीक है बस भाई, देहरादून भाई। 12:45 हो गया यहाँ से निकलते निकलते गाँव से। अब इनसे बच के चलना पड़ेगा, अब गन्ने वालों से लग जाते हैं, स्क्रैच मारते रहते हैं। सामने ट्रक जा रहा है, कितना ओवरलोडेड है, अगर पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा पलटा तो पूरी कार चली जाएगी, सब मर जाएंगे। बहुत तेजी से ओवरटेक करना पड़ेगा भाई, बहुत तेजी से। चलो जान बची, लेकिन एक आगे भी है, एक और जा रहा है आगे। चलो जल्दी ओवरटेक कर लेते हैं इसको भी। तो भाई बड़ौद से वापस आ गए हैं मेरठ, और यहाँ पे फ्लेवर रेस्टोरेंट पे खाएंगे। भाई शाम के बज रहे हैं 5 और भूख लग रही है बहुत ज्यादा। कार पार्क कर दी उधर रोड साइड पार्किंग में। हम बैठ चुके हैं मेरठ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट फ्लेवर्स आबुलेन पे, और इनके प्राइस लिस्ट ये है। हमने मंगाया है मिक्स वेज उत्पम 110 का, छोले भटूरे 80 रुपए के। और ये देखो कितनी भीड़ हो रही है, दूर से दूर तक लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से बाहर का भी दिख रहा है रोड चलते हुए। तो ये आगे भाई अपने मेरठ के सबसे बेस्ट छोले भटूरे। भाई ऐसा उत्पम मैंने कहीं नहीं खाया जैसा फ्लेवर पे है, सुपर सुपर रियली। में कभी आना तो उत्पम जरूर खाना यहाँ का। ठीक है दोस्तों, 6:30 बजे बैक टू होम मेरठ। अम्मा जी तो यहीं थी। यहाँ मेरठ में कुवाड़ बंद करके रखने पड़ते हैं, किवाड़, मच्छर आ जावे। अभी हम गांव से जब मेरठ आ रहे थे तो एक भैया के पास गए थे, उनके भाई की डेथ हो गई थी। वो बड़ावत गांव से, बड़ौद से, और सिर्फ डेंगू की वजह से, एक मच्छर की वजह से। इस बार डेंगू की वजह से भाई इतने लोग मरे हैं, जवान जवान लड़के मरे हैं। एक तो भी 24 साल का मरा है मेरे मामा जी के यहाँ पे, जो दूधिया था ना मामा जी के यहाँ पे, जो दूधिया गांव में दूधिया है, उनका लड़का सिर्फ 24 साल का था, वो एक्सपायर किया है। भाई ये डेंगू ऐसी चीज है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, एक बार हो जाए तो आदमी मरे या बच्चे, इसलिए मच्छर का ध्यान रखो चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैं और तुषार थोड़ा सा आगे थे भाई कार से, थोड़ा सेंट्रल मार्केट घूम रहे थे, गेड़ी मार रहे थे मेरठ की। मैं तो खाना खा के आ गया था, तो तुषार को लग रही थी भूख, इसने कहा चलो कुछ खा के आते हैं। फिर यहाँ पे सेंट्रल मार्केट में प्रॉब्लम ये होगी, यहाँ पे हो रही है सारी दुकानें बंद, क्योंकि आज है मंडे। तो भाई अब थोड़ा जा रहे हैं गढ़ रोड पे, वैशाली कॉलोनी, वहाँ पे एक नया पिज्जा पिज्जा वाला ये बोल रहा है, बहुत गवर्नमेंट पिज्जा देता है, बहुत सॉफ्ट पिज्जा। आज मेरठ में हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, ये देखो किसी लक्ष चौधरी की कार खड़ी है, इस पर दिख रही है। पॉल्यूशन खत्म हो गया ना थोड़ा सा, देख चांद भी कितना क्लियर दिख रहा है। सर लेके आया इस वाले पिज्जा पे, पिज्जा विंग्स, हेलो मेरठ। यहाँ पे आ चुका है किंग कॉन्ग पिज्जा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ा भाई, 600 रुपए का, फैंटा के साथ। पिज्जा विंग्स पे पिज्जा तो खा लिया है। और यहाँ पे मेरठ में ना कुछ फोगी सा मौसम हो गया है, बहुत प्यारी ठंड सी हो रही है, आई लव दिस मौसम, देहरादून में देखने को नहीं मिलता ये। वाह भाई वाह, चलो चलते हैं। और अभी चल रही है थोड़ा एडिटिंग, और इसके बाद सोते हैं।
करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। आज था तीसरा दिन मेरठ में, पहले दिन हम यहाँ पे आए, दूसरे दिन गांव में गए, तीसरे दिन गांव से वापस यहाँ पे आए, आज तीसरा दिन है। कल चौथा दिन में क्या होगा मालूम नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा मेरठ में रहकर इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको दिखाता रहूँ, बोर बिल्कुल ना करूँ। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। आज 28 नवंबर और मैं आ गया हूँ बाहर छत पे एक्सरसाइज करने। कल मौसम खराब था तो बारिश हुई है, दो दिन से ही मौसम खराब है, वैसे आज भी बादल है, सूरज वैसे वहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों काम करते करते बच गए 6:30 और आज पूरा दिन घर पे ही था, मेरठ में इस रूम में ही पूरा दिन निकल गया भाई, बाहर हो गया अंधेरा, तो ऐसा कुछ सच कुछ था नहीं रिकॉर्ड करने को, शो करने। आज मैंने 2 एडिटिंग की है और बाकी बहुत सारा काम किया है, सुबह सब तक लगातार काम ही कर रहा हूँ। तो आज बने हैं भाई पाव भाजी घी के साथ, अम्मा जी इधर बैठी हुई हैं और यहाँ पे चल रहा है सीसीटीवी जो निगरानी रखी जा रही है पूरे घर पे। तो भाई हम तो डायरेक्ट आ गए हैं अपनी भांजी के घर, भाई पहुंच गए हैं। ये मिलो भांजी से, ये मिलो अर्जित से। कहाँ गई कहाँ गई, अरे ये है इसका रूम। और मिलो भाई भांजी से, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं इससे। और पता है ये कुछ कर रही थी, काम कर रही थी, ये कहाँ गए, छुट्टी पड़ेगी ना। अच्छा वहीं देहरादून आओगे भाई, ये तो काम भी करने लगी। ये क्या लिख रही है, ये क्या है, ये आज नाम बता दे। पे ये नहीं लिखना, ये लिखना, एम लिखना। और देखो एम के कितने सारे वो बना दिए पहाड़ से डबल एम बना दिया, डबल एम। अपने आप चुप हो जाएगी, उधर मत देख, चुप हो जाएगी भाई तू नहीं है। ये देखो मिलो मेरी भांजी अवंतिका से, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ भाई यहाँ पे। ये रहती है मेरठ गंगानगर में कैमरे को देख के पागल हो जाती है। और देखो ये क्या काम कर रही है, मैं दिखाता हूँ। देखो ये एम लिख रही है या डब्लू लिख रही है, कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या लिख रही है। ये इसमें डब्लू एम तो लिखा हुआ है, डब्लू एम। ये क्या है, ऐसे ऐसे अनार लिखा है, ऐसे अनार लिखा है, सारे छोड़ दिए थे मैंने, छोड़ रखा है, इसने काम अधूरा कर रखा है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो ये बस इतना कर रखा है और धीरे 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 सब चेंज हो जाएगा। यहाँ से ऐसे शुरू किया है और ए का आ बन जाएगा बहुत जल्द। तो दोस्तों अभी वापस जा रहे हैं अपनी भांजी से मिलके वापस मंगल पांडे नगर। और भाई ये देखो कितना कोहरा आ रहा है भाई, पहला सीजन का पहला कोहरा ही है, बस दिसंबर को रह गए हैं 2-3 दिन। The next day, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेरठ। आज 29 नवंबर और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पे हर जगह हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, तो इसलिए एम्बुलेंस की आवाज़ हमें साथ ही रहती है। इस गली में सामने 3-4 हॉस्पिटल है राइट में, और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये भी हॉस्पिटल की है, इसके बाद भी हॉस्पिटल है। उधर सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, दिमाग का हॉस्पिटल है, मिमंस हॉस्पिटल सामने, उधर भी मतलब पूरे में ये पूरा एरिया हॉस्पिटल का बन चुका है। ये बहुत बड़ा पार्क है, कमर्शियल एरिया, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग और पूरा कमर्शियल एरिया है ये। और भाई आज तो धूप आ गई है, दो तीन दिन के लिए जो मौसम खराब था, ओवरकास्ट था, वो ठीक हो गया है। अब यहाँ पे हल्की हल्की सी जैसी धूप आती है, इतनी तेज नहीं पड़ रही है, देखो इस तरह से पड़ रही है, ये देखो इस तरह से पड़ रही है बस। फिलहाल आज बंदर नहीं दिख रहे हैं, चलो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा तो ये स्पॉट है यहाँ पे कोने पे खड़े होकर थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते। इस पेड़ पे हमिंग बर्ड आई है अभी, देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, एक बर्ड हो रहा है ये देखो भाई। मेरठ में क्या बर्डिंग हो रही है, क्या फोटोग्राफी हो रही है, ऐसी तो देहरादून में भी नहीं है। टेल इसकी लंबी है और ग्रीन कलर की है। कैन यू बिलीव, दो चिड़िया दिख चुकी है मुझे, एक यहाँ पे हमिंग बर्ड और एक वहाँ पे दूसरे वाली। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 बज गया दोपहर का, अभी जोनी भाई आए थे और उनका दोस्त मोंटी, तो एक्चुअली उनकी कमर में डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है ना जोनी भाई की, तो यहाँ पे एक्यूपंक्चर वाला है कोई फेमस, एक्यूपंक्चर कराने आए, तो फिर उनके साथ थोड़ा मार्केट से ला गया था। और यहाँ पे जो फेमस राम साय वाला है जो नान खटाई वगैरह उसकी फेमस है, तो उनके साथ फिर वहाँ भी गया, तो मैं वो लेके आया हूँ, चलो वो दिखाता हूँ। देखो दोस्तों एक तो ये नान खटाई यहाँ की फेमस है मेरठ की, सुपर इतनी प्यारी इतनी सॉफ्ट है ना, मतलब मिलती नहीं है आसानी से हर जगह। गज्जक है, मैंने उससे पूछा था भाई सबसे बेस्ट गज्जक कौन सी है, वो कह रहा है लड्डू की फॉर्म में सबसे बेस्ट गज्जक है, सबसे ज्यादा बिकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं एडिटिंग करते करते, आज की एडिटिंग थोड़ा लंबी है, ये कैंपिंग वाली ऋषिकेश कैंपिंग वाली वीडियो है, तो 30 मिनट से ऊपर की है, तो टफ पड़ती है, एक दिन में एक ही हो पाएगी। और मेरठ के फल फ्रूट खा रहे हैं भाई, चीकू हो गया, केला हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट मिलते हैं, ऐसे देहरादून में मिलते ही नहीं है। जो भी चीज़ ले लो यार यहाँ पे सुपर है, फल फ्रूट मस्त मिलते हैं यहाँ पे भाई। शाम के समय मैं तो आ गया हूँ मेडिकल कॉलेज के पास आटा लेने, जो मल्टीग्रेन आटा है, बंसल जी का भी ले जाना है, चलो आटा तो ले लिया है। तो भाई आटा लेने के बाद पहुँच चुका हूँ गंगानगर मेरठ में अपनी फेवरेट दुकान, जहाँ पे सबसे शुद्ध शिलाजीत और गिलोई मिलेगी। और जी क्या हाल है, और सुना सस्ता है जी बस देखो भाई शॉप पे दुनिया का सबसे बेहतरीन गिलोय है, जो कि घर पे ही पल्वलाइजर लगा रखा है इन्होंने, घर का है बिल्कुल, कोई मार्केट में किसी का हाथ नहीं लगा हुआ। और देखो गिलोय सत्व भी इसके अंदर, इसलिए वाइट है, क्या फाइन पाउडर है, और वर्ल्ड बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है ये, वर्ल्ड बेस्ट, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। कोरोना
कोरोना वगैरह कुछ नहीं छोड़ता, ये 1 किलो का डिब्बा है जो 1200 में पड़ेगा। भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर दिखा दूंगा। और ये घर पे ही बनी हुई शिलाजीत जो कि खुद ही घर पे बना रखी है भाई। और ये देखो, ये देखो शोधित कर रखी है ना, ये इसका पत्थर आता है वैसे तो भाई पहाड़ों से, गिलगित बल्टिस्तान जैसे पहाड़ों से आता है, तो ये शोधित करते हैं इसको, त्रिफला में शोधित कर रखी है, शोधन कर रखी है। ये है बेस्ट शिलाजीत, ये भी 100 ग्राम है। और भाई इसका जो प्राइस होगा वही 1200, जो भी इनसे पूछ लेना कोरियर करके कितना पड़ेगा। ये नंबर है भाई, इस पे व्हाट्सअप कर दे भाई, दोनों पे व्हाट्सअप चल रहा है, देख लेना और अपना व्हाट्सअप कर देना, जो भी चाहिए, गिलोय चाहिए, शिलाजीत चाहिए। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून डायरेक्ट व्लॉग। भाई कार से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अभी ही मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का। अभी बज रहे हैं भाई दोपहर के 2:30 और आज है 30 नवंबर, यानी कि लास्ट डे है नवंबर का। कल से 1 दिसंबर स्टार्ट, सो एडवांस में हैप्पी दिसंबर। तो दोस्तों आसीन ये है, आज मैं जा रहा हूँ दोबारा से सोनीपत, और वहाँ जाने का पर्पज़ ये है कि मुझे कुछ वीडियो बनानी है, कुछ नॉलेजेबल वीडियो आयुर्वेद से रिलेटेड। ये समझो कि मेरे चैनल की बहुत अच्छी किस्मत है कि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आएंगी, जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो बेस्ट आयुर्वेदाचार्य हैं, वर्ल्ड के टॉप आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं उनको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो मिस मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी वीडियो एक तरफ और ये वाली वीडियो एक तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और एक एक आदमी को देखनी चाहिए। कुछ वीडियो हॉर्सेस के ऊपर होंगी लेकिन बातें हॉर्सेस की होंगी, लेकिन हॉर्सेस के थ्रू आप कनेक्ट करना अपने आप को, और जितना भी उसको लिख लेना, उस वीडियो को सेव कर लेना भाई, पूरी लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए उन वीडियो को सेव कर लेना, अपने बच्चों को दिखाना, अपने पेरेंट्स को दिखाना, अपनी फैमिली के एक एक मेंबर से शेयर करना। वो वीडियो भाई मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। इसका इंतजार था मुझे काफी बेसब्री से, काफी दिनों से, लेकिन फाइनली पॉसिबल हो पा रहा है। और इसलिए मैं यहाँ से भाई 2.5 घंटे का सफर करके स्पेशल जा रहा हूँ अकेला कार में, ताकि वो वीडियो शूट हो चुके। अब देखो वो कितने पार्ट में आएगी, एक पार्ट में, दो में, तीन में, चार में, पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, जैसा भी होगा करते हैं भाई वीडियो, मजा आने वाला है। बस ये है कि वो ज्ञान हमेशा के लिए यूट्यूब पे रह जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, जिनकी वीडियो आने वाली है ना, वो आयुर्वेदाचार्य तो है ही है और वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट योगी भी है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आराम से बता रहा हूँ, चुपचाप से बता रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट योगी है और परमहंस है, परमहंस की उपाधि है उनके पास, हमने दी भाई परमहंस की उपाधि, जैसे होते हैं ना परमहंस योगानंदा थे, तो ऐसे है टॉप योगी, टॉप आयुर्वेदाचार्य, थिंक टैंक है वो, थिंक टैंक। तो बहुत मुश्किल से पहली बार ऐसा होने पा रहा है कि एक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो ऋषिकेश में हजारों योगा इंस्टीट्यूट हैं, वो भी अपने आप को योगी बोलते हैं जो योगा सिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे योगी बोलते हैं लेकिन मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो छुपे हुए और हिडन योगी है ना इंडिया के, भारत देश के, सनातन धर्म, वो रिकॉर्ड होने जा रहे हैं, उनको मैं रिकॉर्ड करूंगा। महसूस करना, शक्ल देखना, आवाज सुनना, सब कुछ एक एक चीज महसूस करना। बस एक ही बार बोल दिया मैंने, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में। 4-5 किलोमीटर बागपत रह गया है और भाई यहाँ पे अभी बज रहे हैं 4:15 और सारा मौसम ऐसा हो रहा है ना भाई जैसे यूरोपियन वेदर होता है, बिल्कुल डार्क डार्क सा, और यहाँ पे बारिश आ चुकी है। The next day. Hello, good morning. Next day in आश्रम. So, अभी क्या है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, फिर जो जो एक्टिविटी होगी यहाँ पे, वैसे बहुत कम रिकॉर्डिंग होने वाली है, एक स्पेसिफिक व्लॉग आएगा, वो आप शायद देख चुके होंगे या देखोगे आगे आश्रम का, और उसी के लिए मैं जिसके लिए आया हूँ। अभी देखो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, रोटी है, छोले हैं और हलवा है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। और यहाँ पर कुछ एडिटिंग, एक एडिटिंग मैंने कर भी ली है मॉर्निंग से, अब तक कुछ अमरूद खाए हैं। ये देखो दोस्तों आश्रम का नजारा सुबह का, कितना प्यारा, कितना शांत। भाई जहाँ पे मैंने आश्रम में स्टे किया है ना, यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत शांति है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू दिल्ली। ये देखो मोर बैठा हुआ है यहाँ पे, मोर बहुत हैं यहाँ पे आसपास।
अब ना हम घोड़ी ढूंढ रहे हैं आश्रम में, दो घोड़ी पता नहीं कहाँ चली गई है, तो राहुल मेरी हेल्प कर रहा है दो घोड़ी ढूंढने में। दो तो मिल गई, उनकी तो रिकॉर्डिंग कर ली है, हम भंडारे में आए थे, यहाँ पे भी नहीं दिख रही। अब हो सकता है इधर उधर कहीं हो, कोने कोने में। बताओ 50 बीघे का आश्रम है भाई, घोड़ी ढूंढनी भारी हो रही है, वेरी मुझे लग रहा है ना। ना ना ना, वो तो कुछ हो रहा है, मुझे लगा उधर है पर है नहीं। हुआ अभी घोड़ी को ढूंढते ढूंढते आश्रम के कोने में आ गए हैं। ये देखो कितना प्यारा सीन है भाई, लग रहा है अपना राजा जी कॉर्बेट की तरह। एक चिड़िया भी दिखी छोटी सी, घोड़ी का ताजा गोबर तो दिख गया पर घोड़ी नहीं दिख रही। चलो उस तरफ चलते हैं। भाई दोनों घोड़ी मिल गई हैं, लेकिन इनको पता चल गया है मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, तो पास नहीं आ रही है, भाग रही है इधर उधर। ये देखो इससे भी राहुल, भाई राहुल से भी दूर भाग रही है अब ये। ऐसा कैसा काम चलेगा यार ये देखना, ये देखना ये भाई अब ये बाहर निकल गई इससे। अरे यार भाई फाइनली दोनों घोड़ी मिल गई है, ये देखो फिर इसको शक हुआ फिर भाग रही है। तो फाइनली भाई दोनों घोड़ी को हमने इनके जो केज है वहां तक, मतलब जहां पे इनको रखने की जगह है वहां पे आ गई है। तो अब मैंने सूट कर लिया भाई इसके दांत का जो मुझे सूट करना था, फाइनली मिशन सक्सेसफुल। अब ये राहुल कह रहा है कि इसको ओपन करेगा गेट को, ऐसे भागेगी ना पैर उठा के लात मार के, तो मैं बाहर जाऊंगा रिकॉर्ड करूंगा। हेलो गुड मॉर्निंग, आज फोर्थ डे इन आश्रम इन सोनीपत हरियाणा। और भाई ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ बना नहीं पाया हूँ, अपनी जो कि प्रोजेक्ट पे आया हूँ वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसकी वीडियो बस अब आप देखने वाले हैं बहुत जल्दी इसके बाद। और यहाँ पर देखो कबूतर किस किस तरह के हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं भाई। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बिल्डिंग से नीचे आ गया हूँ और कभी कभी मुझे मौका मिलता है यहाँ पर नीचे घूमने का। तो अभी ये देखो सुबह का टाइम कितना प्यारा लग रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पर घोड़े हैं वहाँ पर। यहाँ पर जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं सब खुले घूमते हैं, ये देखो ये भी कैसे मज़े कर रही है, कहीं भी चली जाती हैं दोनों। ये देखो सारी भैंस फुल मस्ती में ओपन है, किसी के भी गले में फट्टा नहीं है भाई, देख लो संखल नहीं है, खुली घूमती हैं खुली। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर पर खुले घूमते हैं, फॉरन स्टाइल है जैसे फॉरन में होता है ना। और भाई खुले घूमने से ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पसीने निकलते हैं इन जानवरों के, माइंड इनका रिलैक्स रहता है और घूमते एक्सरसाइज होती है और पसीने निकलते हैं इनकी बॉडी से, तो जो दूध की और दही की क्वालिटी है ना सुपर्ब रहती है।
देखो यहाँ पे टमाटर की जगह करौंदे इस्तेमाल करते हैं, करौंदों का पेड़ है, प्यारे होते हैं भाई, बहुत खट्टे। देखो भाई आज भंडारे में बनी है कड़ी कितनी प्यारी, चाली काटता क्यों है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो ठीक है, मैं बिल्कुल आश्रम के यहाँ पे कोने में था जहाँ पे घोड़े, ये अस्तबल है घोड़ों का, और देखो यहाँ से जो गाय भैंस जहाँ पे बंध रही है, घोड़े बंध रहे हैं, उससे ही हवन पास होती है, ये देखो ऐसे निकलती है ऊपर इससे ऑटोमेटिक, तो नीचे की जो भी स्मेल होती है सब ऊपर आ जाती है। और मैं कोने में हूँ बिल्कुल आश्रम के, यहाँ से देखो दूर से दूर तक सोनीपत के गाँव के खेत दिख रहे हैं, और यहाँ से सामने आश्रम। The next day, दोस्तों आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस मेरठ, ये आश्रम के गेट खुल गए और बाय बाय टू आश्रम। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और टेम्परेचर 23 डिग्री, भाई बताओ 23 डिग्री दिसंबर में गर्मी हो रही है भाई, 23 डिग्री कैन यू बिलीव इन दिसंबर। हेलो दोस्तों, तो बैक टू मेरठ भाई, अभी बज रहे हैं 4:04 और मैं वापस मेरठ आ चुका हूँ। 4 नाइट में सोनीपत आश्रम में रुका, पूरी बढ़िया तरीके से मैंने वीडियो बनाई है जो कि आपको देखने को मिलेगी, उस वीडियो को मिस मत करना भाई, बेस्ट होने वाली है, सुपर। ज्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है, यहाँ पे बस भंडारा खाया, लंगर खाया, कुछ भी बोलो, मस्त सोए, मस्त बातें करी, प्रवचन सुने, घोड़ों की वीडियो बनाई, मस्त अपना बहुत ईजी, बहुत ओसम टाइम बीता भाई। वापिस मेरठ आ गया हूँ, देखते हैं तुषार क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है। मम्मी आज मंडे था तो आज भी डेंटिस्ट के जाएंगी, क्योंकि मम्मी कुछ ट्रीटमेंट करा रही है दांतों का, तो मेरठ में मैंने कहा जब आए हुए हैं तो फायदा उठा लो, यहाँ पे डॉक्टर अच्छा है, देहरादून में फिर दिक्कत होती है, देहरादून के डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू मेरठ। जिस एरिया में हूँ इसको बोलते हैं कंकड़ खेड़ा मेरठ। लक्की भाई सॉरी, आप सोनीपत में रहते हैं, आप मेरे सबसे प्यारे सबसे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और आप हमेशा एक्टिव रहे हैं शुरू से अब तक मेरी जर्नी में, और चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मेरी वीडियो का कभी आपने कुछ माइंड किया ही नहीं, बुरा माना ही नहीं मैंने, चाहे कुछ भी बोला हो, जितना आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उतना ही मैं आपको लाइक करता हूं, तो सॉरी फॉर डैट कि मैं सोनीपत आया मिल नहीं पाया, पर एक्चुअली एग्जैक्ट मैं सोनीपत नहीं आया था, मैं थोड़ा सा साइड से निकल जाता हूं, तो अभी मुझे मेरठ पहुंचना था, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे जरूर मिलूंगा, कभी ना कभी जल्दी मिलते हैं, और इसलिए स्पेशल मैं आपका नाम ले रहा हूँ वीडियो में कि सोनीपत में आपसे मिल नहीं पाया। मुझे पता है कि सोनीपत में आप बोलोगे आप निकल गए मिले नहीं, तो ये सब रहता है, आप जरूर बोलोगे, तो इसलिए मैं पहली बोल रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ वीडियो पे। हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 8:30 और मैं और तुषार तो भाई दोबारा से अपने घर के पास सेंट्रल मार्केट में आ गए हैं, थोड़ा खाने पीने, अब बनाएंगे फूड व्लॉग भाई। सेंट्रल मार्केट में नवीन फास्ट फूड है, अपनी फेवरेट बेस्ट चाउमीन, जो लोग मेरठ के हैं उनको पता ही है, यहाँ की चाउमीन जैसी ना देहरादून में भी नहीं मिलती भाई। देखो यहाँ पे ना न्यूट्री डालते हैं, ये देखो ऐसी न्यूट्री ना देहरादून में कोई नहीं डालता, और बर्गर भी यहाँ पे अंकल जी बहुत बेहतरीन देते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे पनीर खाया था लेकिन बंद है क्योंकि मंडे में मार्केट बंद रहता है। चलो भाई इनके बर्गर भी ट्राई करते हैं अंकल जी के, भाई मैं भैया को पिछले 22 साल से जानता हूँ, 5 रुपए के बर्गर भी खाए हमने और 5 रुपए की मैगी, अभी भी 20 रुपए का बर्गर मिल रहा है छोटे वाला। सो ये तैयार हो गया अपना 20 रुपए का बर्गर, सबसे बेस्ट इन मेरठ भाई। देखो यहाँ पे रिद्धि मिली है, मुझे लग रहा था यार कोई तो मिलना चाहिए, अब रिद्धि वो है जो हमने देहरादून में ब्लॉग बनाया था, जब रॉबर्स केव, जब जोनी आया था सब बस में गए थे वहां पे, तो याद उस वो कैसा दिन लगा, मस्त था ना, अब तक याद आता है, डियर पार्क, रॉबर्स केव और शिवलिंग, हाँ टपकेश्वर मंदिर, हम वहाँ FRI गए थे लेकिन FRI तो बंद था, और फिर तो तुम डायरेक्ट निकल गए होंगे, नहीं तो बुद्धा टेंपल जा सकते थे, बुद्धा टेंपल भी था। हाँ चलो नेक्स्ट टाइम, बढ़िया है, चलो भाई भैया से भी सब्सक्राइब करा लेता हूँ, ये रहा सब्सक्राइब कर देते हैं। लो भाई हापुर अड्डे मेरठ में, देखो इसका भाला चुरा लिया, स्पोर्ट सिटी का ये लोगो लगाया हुआ था, भाला था इसके हाथ में, भाला ही चुरा के ले गए भाई, पित्तल का था। हम पहुंच गए मेरठ के बच्चा पार्क, यहाँ पे बेगम पुल है सामने ही, और यहाँ का जो फेमस है भाई रमेश साउथ इंडियन, तो यहाँ पे ट्राई करेंगे, बराबर में बर्गर वाला है, डोसा ही मिल पाया भाई, बाकी सब खत्म है। ये देखो यहाँ पे तो भाई डोसा तो खा लिया है, अब खा रहे हैं बर्गर, डोसा ठीक था मतलब, और यहाँ का फेमस बच्चा पार्क का बर्गर भाई, बर्गर में पनीर भी है और देखो सोट के साथ मिल रहा है, ऐसा देहरादून में नहीं मिलता ये वाले बर्गर, और सिर्फ 40 रुपए का बर्गर है। हेलो दोस्तों, बैक टू होम, कैसा लगा आपको ये जर्नी, आश्रम की जर्नी, मेरठ की जर्नी,
आई होप आपको मजा आ रहा हो। और मेरठ में भाई मुझे हो गए हैं 12-13 दिन, मालूम ही नहीं चला। और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। और भाई ये वाला ब्लॉग आप देख रहे हैं 6 नवंबर को, अभी जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 5 नवंबर, मतलब 5 नवंबर तक के सारे ब्लॉग आ चुके हैं। अब जो ये बिल्कुल लेटेस्ट ब्लॉग चल रहे हैं, कोई कंटेंट बाकी नहीं है। और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है भाई, देख लेना। जिनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जिनके बारे में बताया था, ये उनका ब्लॉग होने वाला है आश्रम से। इसमें आयुर्वेद की नॉलेज होगी, घोड़ों की नॉलेज होगी, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज होने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप वो ब्लॉग कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, क्योंकि वो ब्लॉग काफी बड़ा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो कल आने वाला है 7 नवंबर को, वो 8 नवंबर को भी आ सकता है, 9 को भी आ सकता है। तो उस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। अब उस ब्लॉग से पहले कोई दूसरा ब्लॉग नहीं आने वाला है, हो सकता है वो 1.5-2 घंटे की वीडियो, या फिर मैं उसको पार्ट्स में बनाऊं, आई डोंट नो। जब मैं बनाऊंगा तब मालूम चलेगा। अब सोते हैं भाई, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।